नमस्कार मैं सुनीता मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ मंथन में आज सुनिए भैरव प्रसाद गुप्त जी द्वारा रचित उपन्यास गंगा मैया का छठा अध्याय लेखक भैरव प्रसाद गुप्त जी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उनकी छो, उनका छोटा सा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने डिस्क्रिप्शन दिस्क, बॉक्स में दे दिया है आप उसे वहाँ से पढ़ भी सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं गंगा मैया का छठा अध्याय दो बरस बीतते बीतते गोपी के यहाँ मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया गोपी अभी जेल में है उसके छूटने के करीब दो साल की देर है जानकर भी वे मेहमान न मानते थे वे सत्याग्रहियों की तरह धरना डाल देते अपाहिज बाप से वे विनती करते कि तिलक ले लें गोपी के छूटकर आने पर शादी हो जाएगी वे दिन माँ के लिए खुशी के होते उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर खुशी की आभा छा जाती। वह दौड़ धूप करके मेहमानों के खातिर तवज्जो का इंतजाम करती बहू को आदेश देती यह कर कर। वह लेकिन भाभी के ये दिन बड़ी अन्य मनसकता के होते एक झुंझलाहट के साथ वह सब काम करती चेहरा एक गुस्से से तमतमाया रहता आंखों से चिंगारियां छूटा करती सास से कभी सीधे मुंह बात ना करती बर्तन भांडे को इधर उधर पटक देती और कभी कभी तो जबी जवान से यह भी कहती अरे अभी जल्दी ही क्या है छूट कर तो आने दो तो, तब सास फटक कर कहती उसके आने ना आने से क्या होता है शादी तो करनी ही है ठीक हो जाएगी तो होती रहेगी बूढ़े की जिंदगी का क्या ठिकाना है उनके रहते ठीक तो हो जाए भाभी सुनती तो उसके दिल दिमाग में एक ऐसा हैवान सा उठ खड़ा होता सारा शरीर जैसे एक विवश क्रोध से फूंक उठता आते जाते पैर जमीन पर पटकती मानो सारी दुनिया को चूर चूर कर देगी होठ बिचक जाते नथुने फूल उठते और जाने पागलों से क्या क्या बुन बुनाती रहती सास यह सब देखती तो भुनास होकर कहती तेरे ये सब लक्षण अच्छे नहीं है मुझे दिमाग दिखाती है जो भगवान के घर से लेकर आई थी वही तो सामने पड़ा है चाहे रोकर भोग चाहे हंसकर इससे निस्तार नहीं भले से रहेगी तो दो रोटी मिलती रहेगी नहीं तो किसी घाट की ना रहेगी सब तेरे मुंह पर थूकेंगे धोकेंगे क्या भाभी जल भुनकर कह उठती बाप भाई मर गए हैं क्या उनके कहने से ना गई उसी का तो यह नतीजा भुगत रही हूँ। जहाँ जांगर तोडूंगी वहीं दो रोटी मिलेंगी रोए वे जिनके जांगर टूट गए हों अपने और अपने मर्द की फब्ती सुनकर सास जल भुनकर कोयला होकर चीख पड़ती अच्छा तो चार दिन से जो तू तो कुछ करने धरने लगी है उसी से तेरे दिमाग इतना चढ़ गया है तू तो क्या समझती है मुझे किसी के हाथ का पानी पीने वाले कोई और होंगे मुझसे तू बढ़ बड़ चढ़ कर बातें ना किया कर मेरे हाथ अभी टूटे नहीं है तू जब भाप भाई पर इतराई रहती है तो वहां जाकर भी देख ले करम जलियों को कहीं ठिकाना नहीं मिलता अभी तुझे क्या मालूम है आटे दाल का भाव अब मालूम होगा समझती नहीं है मैं इस बूढ़े के रोग से मजबूर नहीं तो देखती तू कैसे एक बात भी जवान से निकाल लेती इस रगड़े का आखिरी नतीजा यह होता या तो भाभी अपने कर्म को कोस कर रोने लगती या सास बूढ़े सुनते तो बड़बड़ाने लगते हे भगवान इस शरीर को उठाई रोज रोज की यह कला सहन नहीं होती मोहल्ले वालों को इस घर में अब कोई दिलचस्पी ना रह गई थी रोज रोज की बात हो गई थी कोई कहाँ तक खोज खबर ले हाँ, औरतों को जरूर कुछ दिलचस्पी थी रोना सुनकर कोई आ जाती तो भाभी को समझाती बुझाती अब तुम्हें ही तो गम खाकर रहना चाहिए कौन सास दो बातें बहू को नहीं कहती सास ससुर की सेवा ही करके तो तुम्हें जिंदगी काटनी है इनसे कलह बेसार करके तुम जाओगी कहाँ भाई बाप जन्म के ही साथी होते हैं कर्म के साथी नहीं कर्म फूटने पर अपने भी पराये हो जाते हैं सास सुनती तो बड़ी निरह बनकर कहती अरे कोई पूछे इससे कि मैंने क्या कहा है तुम सब तो जानती ही हो कि भला मैं कुछ बोलती हूँ एक तो जवान बेटा उड़ गया और दूसरे जेल में पड़ा है वह तो सालों से चारपाई तोड़ रहे हैं मुझे क्या किसी बात का होश है अरे वह तो पापी प्राण है कि निकलते ही नहीं कर्म से सासत साहनी लिखी है तो सुख में कैसे मर जाऊं सास कहने को तो सब कुछ भाभी से कह जाती लेकिन वह जानती थी कहीं वह सचमुच अपने बाप के यहाँ चली गई तो मुश्किल हो जाएगी कौन संभालेगा घर द्वार उसका तो हाथ पाँव ही लाना मुश्किल था सो बात को संवारने की गरज से कहती कौन गल्ला काम है तीन प्राणी की रसोई बनाना खाना और खिलाना यही तो उस पर भी मुझसे जो बन पड़ता है करे ही देती हूँ और कोई मुझसे पूछे इतना भी ना होगा तो क्या होगा कोई राजा महाराजा तो हम है नहीं कि बैठ खाएं और खिलाएं ऐसा करने से भला हम सम को गुजारा कैसे होगा नहीं बहू नहीं तुझे समझना चाहिए कि सास जो कहती है तेरे भले के लिए ही तो कहती है जांगर चुराने की आदत तुझे नहीं डालनी चाहिए बर बेवा का मान काम से ही होता है चाम से नहीं वह औरत कहती भगवान ना करे कहीं ऐसा वक्त आ पड़े तो कहीं कूट पीस उम्र तो काट लेगी भाभी के कानों में ये बातें गरम सीसे की तरह सारा तन मन जलाती चली जाती लेकिन वह कुछ ना बोलती गैर के सामने मुंह खोले ऐसा दुस्साहस उसमें ना था वह चुपचाप बस बुल के चुआती रहती और उषा से भरा करती वह भी कहने को बाप के घर चली जाने की धमकी जरूर देती लेकिन सच तो यह था कि वह कहीं भी जाना ना चाहती थी कहाँ से उसके मन में एक आशा सी बैठ गई थी कि देवर के आने पर शायद कुछ हो यह सास भाभी की अपनी अपनी गरजमंदी थी कि लड़ झगड़ कर फिर वे मिलजुल जाती झगड़े के दिन कभी सास उठ कर खाना ना खाती तो उसे भाभी मना लेती और भाभी ना खाती तो उसे सास मना लेती ससुर को अपनी खिदमत चाहिए थी उन्हें वह मिल जाया करती भाभी अपनी सेवा से उन्हें खुश रखना चाहती थी बूढ़े उससे खुश भी रहते थे क्योंकि वैसे सेवा उनकी औरत से संभव ना थी वह भाभी का पक्ष भी गाए बगाहे ले लेते वह गोपी के लिए आने वाले रिश्तों के बारे में भी उससे बातें करते थे और राय मांगते थे ऐसे अवसर पर वह बड़े ही ढंग से कह देती रिश्ता तो बुरा नहीं लेकिन आदमी बराबर का नहीं है लोग कहेंगे कि पहली शादी अच्छी जगह और दूसरी बार कहाँ जा गिरे बूढ़े एक गर्व का अनुभव करके कहते सो तो तू ठीक कहती है अरे बहू सौ जगह इनकार करने के बाद मैंने वह शादियां की थी क्या बताऊं सब गोटी ही बिगड़ गई घर उजड़ गया एक दगा दे गया दूसरा जेल में पड़ा करम कूट रहा है मेरी राम लक्ष्मण सीता और उर्मिला की जोड़ी ही टूट गई मैं बेहात पाव का हो गया कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भराते अब मेरा वह जमाना ना रहा खेती गृहस्थी सब बिखर गई कौन वैसा मान प्रतिष्ठा का आदमी मेरे यहाँ रिश्ता लेकर आएगा कौन उसका तिलक दहेज देगा मन छोटा न करे बाबू अभी कुछ नहीं बिगड़ा है देवर आया नहीं कि संभाल लेगा सब कुछ फिर पहले की तरह जम जाएगा तब तो कितने आकर नाक रगड़ेंगे आप जरा सब्र से काम लगे ले बाबू जी अभी जल्दी भी कहे की है वह पहले छूट कर तो आवे हाँ बहू यही सब सोचकर तो किसी को जवान नहीं देता लेकिन तेरी सास है कि जान खाई जाती है कहती है दहेजू है दुहेजू है ज़्यादा मीन मेक निकालने से काम ना चलेगा उसे जाने काहे कि जल्दी है जैसे हम इतने गए गुजरे हो गए हैं कि रिश्ता जोड़ने हमारे काम यहाँ कोई ना आएगा अरे कुछ नहीं तो खानदान का मान तो अभी है नहीं मैं किसी ऐसी वैसी जगह न पढूंगा। उसके कहने से क्या होता है ससुर दिनों एक दिन शाम को एक अजनबी आदमी ने आकर गांव की पश्चिमी सीमा के पोखरे के कच्चे चबूतरे पर बैठे हुए लोगों में से एक को पूछा है जी गोपी सिंह का मकान किस और पड़ेगा गर्मी की थी, थी अंधेरा झुकाया था आस पास घने बागों के होने के कारण वहाँ कुछ गहरा अंधकार हो गया था खलिहान से छूट कर किसान यहाँ आकर नहा धोकर चबूतरे पर बैठ गए थे और दिन भर का हालचाल सुन सुना रहे थे कईयों के तन पर भीगे कपड़े थे और कईयों ने अपने भीगे कपड़े पास ही सूखने को पसार दिए थे कई तो अभी पोखर में गोगता लगा रहे थे उनके खांसने कंकारने और राम राम कहने और सीढ़ियों से पानी के हल्कोरों के टकराने की आवाजें भी आ रही थी बागों से चिड़ियों का कलरव उठ रहा था हवा बनती लेकिन पोखरे की दांतों पर फिर भी कुछ तरी थी सवाल सुनकर सबकी निगाहें उठ गईं। पोखर में पड़े हुए वो ने गर्दने बड़ा बड़ा कर देखने की कोशिश की एक तो पूछा कौन है भाई किसका मकान पूछ रहे हो अजनबी महज एक लुंगी पहने था शरीर मोटा तगड़ा था छाती पर घने काले बालों का साया छा रहा था गले में काली तिलड़ी थी चेहरा बड़ी बड़ी मूछ दाढ़ी से ढका हुआ आंखों में जरूर कुछ रौब और गरूर है सिर के बाल जटा की तरह गर्दन तक लटके हुए हैं जिससे सवाल पूछा गया था उसने गोपी के मकान का पता बताकर पूछा कहां से आना हुआ है काशी से आ रहा हूं वहां जेल में था अजनबी कहकर आगे बढ़ने ही वाला था कि एक आदमी जैसे जल्दी में पूछ बैठा अरे भाई सुना था गोपी भी काशी के जेल में है वहां उससे तुम्हारी भेंट हुई थी क्या अजनबी ठिटक गया और बोला हम साथ साथ थे उसी का समाचार बताने आया हूँ सुनकर सभी के सब उठकर उसके चारों ओर खड़े हो गए बोखरे के अंदर से सभी भीगी दे लिए वे लपक आए ने एक साथ उत्सुक होकर पूछा कहो भैया उसका समाचार अच्छी तरह से तो है वह हाँ मजे में है किसी बात की चिंता नहीं कहता था वह अजनबी आगे बढ़ा तो सभी साथ हो ली जिनके कपड़े फैले हुए थे उन्होंने उठा लिए एक दौड़कर आगे समाचार देने चला गया उसकी छाती में चोट लगी थी भैया ठीक हो गई ना हाँ और भी गांव के कई आदमी उसके साथ जेल गए थे कुछ उनका समाचार वे सब वहां नहीं थे शायद सेंट्रल जेल में होंगे तो तुम ढाई हाँ। को, को तीन साल पहले की बात है मटरू पहलवान को नहीं जानते अरे मटरू पहलवान सभी चकित बोल पड़े जय गंगा जी जय गंगा जी सब मालूम है भैया सब सबकी धमक तो कौसो दूर पहुंची थी तो तुम्हें सजा हो गई थी कितने साल की तीन साल की गोपी की सजा तो पांच साल की थी ना कब तक छूटेगा बेचारे की घर गृहस्थी तो बर्बाद हो गई और जोरू भी मर गई क्या चकित होकर मटरू बोला तुम्हें नहीं मालूम उसकी जोरू साल भी, भीतर ही मर गई गोपी को किसी ने खबर नहीं दी क्या खबर होती तो क्या मुझसे ना कहता यह तो बड़ी बुरी खबर सुनाई तुमने अरे कोई अपने अख्तियार की बात है भैया भाई मरा जोरू मर गई बाप को गठिया ने ऐसा पकड़ लिया कि मालूम होता है कि के साथ दम के साथ ही छोड़ेगा जवान बेवा अलग कलप क्या बताया जाए भैया गोटी बिगड़ती है तो अकल काम नहीं करती एक जमाना उनका वहता एक आजिया है याद आता है तो कलेजा कचोटने लगता है इधर से आओ दूर से ही रोने धोने की आवाजें आने लगी माँ भाभी खबर पाते ही रोने लगी पुरानी बातों को बिसुर बिसुर कर वे रो रही थी सुनकर मोहल्ले की जो औरतें इकट्ठी हुई थी उन्हें समझा समझा कर चुप करा रही थी बाप किसी तरह उठकर दीवार का सहारा लेकर बैठ गए उनका मन भी चुपके चुपके रो रहा था किसी ने एक खटोला लाकर बूढ़े की चारपाई के पास डाल दिया किसी ने दिया लाकर ताक पर रख दिया मटरू ने बूढ़े के पैर पकड़कर पा लगा बूढ़े ने गदगद होकर आशीष दिए फिर पूछा अरे मेरा गोपी कैसा है और फफक फफक कर रो उठे कितने ही लोग वहां अपने प्यारे गोपी का समाचार सुनने के लिए आ इकट्ठा हो गए मटरू जैसे गोहत्या करके बैठा हो ऐसा चुप बैठा था लोग भी आपस में कुछ ना कुछ कहकर ठंडी सांसें लेने लगे कुछ बूढ़े को भी समझाने लगे तुम ना रो काका तुम्हारी तबीयत तो ऐसे ही खराब है और खराब हो जाएगी बहुत दिन बीते थोड़े दिन और बाकी हैं कट ही जाएंगे जिन भगवान ने बुरे दिखाए हैं वही अच्छे भी दिखाएगा पानी वानी तो पियोगे ना भैया एक ने पूछा अरे पूछता है क्या है जल्दी गगरा लौटा ला थका मांदा है एक बूढ़ी ने कहा हाथ मुंह धोकर ठंडा लो बेटा आज रात ठहर जाओ बेचारे को जरा तसल्ली हो जाएगी मटरू के मुंह से बोल ना फूट रहा था कुछ सोचकर चला था उसे क्या मालूम था कि वह ही व्यथा के सोए हुए तारों को छेड़ने जा रहा है धीरे धीरे काफी देर में व्यथा का उफनता हुआ दरिया शांत हुआ एक एक करके लोग हट गए तो बूढ़े ने कहा बेटा अब मुंह हाथ धो लो तेरा आदर सत्कार करने वाला यहाँ कोई नहीं कुछ ख्याल ना करना तेरी बड़ाई हम सुन चुके हैं तो समाचार देने आ गया हम दुखियों को कुछ संतोष हो गया भगवान तुझे सुखी रखे हाथ मुंह धोकर मटरू बैठा तो अंदर से माने लाकर गुड़ और दही का शरबत भरा गिलास उसके सामने रख दिया मटरू ने उसके भी पैर छुए बूढ़ी आंचल से बहुत बहते हुए आंसुओं को पोस्ती हुई वहीं खड़ी हो गई शरबत पीकर मटरू जैसे अपने ही से बोलने लगा कोई चिंता की बात नहीं माई गोपी बहुत अच्छी तरह से है हम तो एक ही साथ खाते पीते सोते जाते थे एक ही बात का उसे दुख रहता है कि घर का कोई समाचार नहीं मिलता क्या करे बेटा जो आने जाने वाला था उसे तो तुम देख ही रहे हो पहले उसके साथ ससुर चले जाते थे इधर वो भी मोटा गए हैं क्या मतलब है उन्हें अब हमसे सिसकती हुई बूढ़ी बोली अरे तो चिट्ठी पत्री तो भेज देती हमें का मालूम बेटा तो चिट्ठी पत्री वहाँ जाती है हाँ हाँ क्यों नहीं महीने में एक चिट्ठी तो मिलती ही है तो कल ही लिखवा कर पठाऊँगी अब रहने दे मैं भिजवा दूंगा तुम लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं हाँ सुना कि उसकी जोरू भी नहीं रही उसे तो कोई खबर नहीं मैंने ही मना कर दिया था बेटा दुख की खबर कैसे कहलाती वहां तो कोई समझाने बुझाने वाला भी उससे ना मिलता है अरे जोरू का क्या है बूढ़े बोले वह छूट आए तो यहाँ कितने ही रोज नाग रगड़ने आते हैं फिर ऐसी बहू ला दूंगा कि नहीं काका अबकी तो उसकी शादी मैं करवाऊंगा तुम बीमार आदमी आराम करो मैं सब कुछ कर लूंगा उसे आने तो दो तुम्हें क्या मालूम कि उसे मैं अपने छोटे भाई से भी ज्यादा मानता हूँ और काका वह भी मुझे कम नहीं मानता हाँ उसकी भाभी तो अच्छी है उसे बहुत याद करता है दरवाजे की ओट में खड़ी भाभी सब सुन रही थी यह किसी को मालूम ना था बुढ़ी बोली उसका अब क्या अच्छा और क्या बुरा बेटा कर्म जब दगा दे गया तो क्या रह गया उसकी जिंदगी में जब तक जिएगी पड़ी रहेगी उसके बाप भाई ने तो इधर कोई खबर ना ली गोपी को उसकी बहुत चिंता रहती है बेचारा दिन रात भाभी भाभी की रट लगाए रहता है इन दोनों में बहुत मोहब्बत ठीक है मटू ने पूछा अरे बेटा बहू ऐसा प्राणी है बिल्कुल गऊ बुढ़ा बोल पड़ा उसकी सेवा पर तो मेरा दम अड़ा है उसकी सुनी मांग देखकर मेरा कलेजा फटता है इसी उम्र में ऐसी विपत्ति आ पड़ी बेचारी पर फिर भी बेटा मेरे रहते उसे कोई दुख ना होने पाएगा वह मेरी बड़ी बहू है एक दिन घर की मालकिन बनेगी वह देवी है देवी बूढ़ी मन ही मन सब सुनकर कुड़ती रही जब सहाना गया तो बोली खाए का तैयार है अभी खाओगे या तिरवाही के किसानों में प्राकृतिक रूप से स्वच्छंदता और साहसिकता होती है खुले हुए कोस, कोसो फैले मैदान झाऊ और सकंडे के जंगल और नदी में उनका लड़कपन से ही संबंध स्थापित हो जाता है निडर होकर जंगल में घाए भैंस चराने घास लकड़ी काटने आदि नदी में नहाने नाव चलाने भैंस का दूध पीने से उनकी ज़िंदगी शुरू होती है और इन्हीं के बीच बीत भी जाती है वे जितने स्वच्छंद स्वतंत्र और ताकतवर होते हैं उतने ही वज्र मूर्ख भी बाद बाद-बाद में लाठी उठा लेना खून खच्चर कर देना एक दूसरे से लड़ जाना फसल काट लेना खलिहान में आग लगा देना आए दिन की बात होती है दिमाग लगाकर सोच विचार कर वे कोई मामला तय करना नहीं जानते वे समझते हैं कि हर मरज की दवा लाठी है बल है जिधर आगे आगे कोई भागा उसके पीछे लग जाते जिनके मुंह से पहली बात निकल गई सब उसी को लेकर लड़ते कोई तर्क कोई भैंस कोई बातचीत कोई समझौता किसी चीज को वे नहीं जानते थे इनकी सबसे बड़ी कमजोरी खेत और बैल भैंस है उन पर ये जान देते हैं किसी भी मूल्य पर खेत लेने के लिए तैयार रहते हैं इनकी इस कमजोरी का जमींदार अक्सर फायदा उठाते हैं उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं एक बैल या भैंस खरीदनी हुई तो झुंड बनाकर सत्तू पिसान बांध कर निकलेंगे मूलभाव होगा उसी अखड़पन के साथ जो दाम वे मुनासिब समझेंगे उसके अलावा कोई और दाम मुनासिब हो ही नहीं सकता अड़ जाएंगे धरना दे देंगे धमकाएंगे लाठियां चमकाएंगे बेचने वाला मान गया तो ठीक वरना रात बिरात उसे खूटे से खुलकर तड़ी कर देंगे और दियार के जंगल में उसे कहीं छिपाकर अपनी बहादुरी का बखान सुनेंगे और करेंगे और वहां यह काम किसी भी दृष्टि से खराब नहीं समझा जाता मटरू ने जब उन्हें दियार के खेतों के बारे में समझाया था तो चूंकि यह एक पहलवान बहादुर निडर और गंगा मैया के भक्त की बात थी वे मौन हो गए थे फिर मटरू के जेल चले जाने के बाद जमींदारों की दूसरी बातें उनकी समझ में कैसे आती यहां तक कि जमींदारों ने उन्हें लालच दिया कि वे जहां चाहे खेती करें और कुछ ना दे फिर भी वे न कर गए सबकी अब एक ही रटती की मटरू पहलवान जब लौट कर आएगा वह जैसा कहेगा वैसा ही होगा उसके आने के पहले कुछ नहीं पूजन ने भी चाहा कि मटरू का काम जारी रखे लेकिन मटरू की तरह उसमें हिम्मत और ताकत ना थी कि वह अकेले झोपड़ी खड़ी कर नदी के तीर पर जंगलों के बीच जमींदारों से दुश्मनी ले सके अपना दबदबा कायम रखने के लिए तब जमींदारों ने खुद वहीं अपनी खेती का सिलसिला कायम किया। यह काम कुछ कुछ बाग के मुंह में हाथ डालने के बराबर था साधारणतः है वे ऐसा कभी ना करते लेकिन अब परिस्थिति ही ऐसी आ पड़ी कि कुछ ना करते तो अंदेशा यह था कि दियर में उनके दब जाने की बात उठती और किरकिरी हो जाती और सारा खेल चौपट हो जाता सब किए धीरे पर पानी फिर जाता सो उन्होंने वहाँ अपनी झोपड़ी खड़ी करवाई अपने आदमियों हल भिजवा कर जुतवाया बोवाया तनखा पर कुछ मजबूत आदमियों को रखवाली के लिए भी वहाँ रखा फिर भी वे जानते थे कि जब तक तिरभाई के किसानों से उनका व्यवहार ठीक न रहेगा तब तक कुछ बचना मुश्किल है उन्होंने पहले कोशिश की थी कि कम से कम रखवाली का जिम्मा वहां का कोई आदमी ले ले, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ इस तरह जमींदार को काफी खर्च करना पड़ा यहाँ तक कि अगर फसल कटकर सही सलामत घर आ जाए तो भी उसका दाम खर्च से कम ही हो फिर भी उन्होंने वैसा ही किया दबदबा कायम रखना जरूरी था दबदबा ना रहा तो जमींदार कैसे रह सकते हैं फसल उगी बड़ी और देखते ही देखते छाती भर खड़ी हो लहरा उठी तिरवाही के किसानों ने देखा तो उनकी छातियों पर सांप लूट गया उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके अपने खेत पर ही कब्जा करके फसल बोई हो जैसे उनके घर से ही अनाज की बोरियां उठाए ले जा रहा हो और वे विवश होकर बस देखते जा रहे हो ऐसे मौके का फायदा पूजन ने उठाया मटरू के संबंध होने के कारण उसका मान आखिर कुछ किसानों में हो ही गया था उसने चुपके चुपके किसानों में बात छेड़ दी बाहर के आदमी हमारी आंखों के ही सामने हमारी गंगा मैया की धरती से फसल काट ले जाएं, डूब मरने की जगह है और याद रखो अगर एक बार भी फसल कटकर जमींदार के घर पहुंच गई तो उनका दिमाग चढ़ जाएगा मटरू पाहुन के आने में अभी सालों की देर है तब तक यह धरती उनके कब्जे में चली जाएगी आदमी के खून का चस्का लग जाने पर घड़ियाल की जो हालत होती है वही जमींदारों की होगी तुम लोग तब मटरू मटरू की रट लगाते रहोगे और कुछ ना होगा ऐसे मौके पर मटरू ही आकर क्या कर लेंगे जरा तुम लोग भी तो सोचो तुम इतना ही तो कर सकते हो कि फसल जमींदार के घर में ना जाने पाए यह किसानों के मन की बात थी पूजन की बात उनके मन में उतर गई कई जवानों ने पूजन का साथ देने का वादा किया तैयारियां हो गई और जब फसल तैयार हुई तो एक रात कटकर नाव पर लदकर पार पहुंच गई रखवाले दुम दबाकर भाग खड़े हुए जान देने की बेवकूफी वे जमींदारों के लिए क्या करते दूसरे दिन शोर उठा एक आध लाल पगड़ी भी मुखिया के यहाँ दिखाई दी फिर सब कुछ शांत हो गया कहीं से कोई सुराग कैसे मिलता सब किसानों की छाती ठंडी हुई थी कह दिया कि काटने वाले हो ना हो पार से आए होंगे नदी किनारे कई जगह डांट पड़े हुए मिले रात ही रात लाद लूद कर चंपत हो गए उनको खबर तक न लगी लगी होती तो एक आध लाठी तो बज ही जाती जवानों का मान बढ़ गया झाऊ और सरकंडों के जंगलों पर भी उन्होंने रात बिरात हाथ साफ करना शुरू कर दिया और कहीं कहीं तो महज दिल की जलन शांत करने के लिए भी आग भी लगा दी जमींदार सुनते और ऐठ कर रह जाते बेबसी से तो उनका कभी पाला ही ना पड़ा था एक बार पुलिस की मुट्ठी गर्म करने का जो आखिरी नतीजा हुआ था उन्होंने देख लिया अब फिर दोहराकर कोई फायदा नहीं था अब पूजन का मान वहां बढ़ गया लेकिन पूजन भी इससे ज्यादा कुछ ना कर सका जमींदार भी चुप्पी साध गए उन्होंने सोचा कि छेड़ने से कोई फायदा नहीं है अगर वे शांत रहे तो संभव है कि किसान भी शांत हो जाए फिर पहले ही जैसे हालत सुधर जाए उनकी ओर से कोई पहलकदमी ना देखकर किसान भी उदासीन हो मटरू का इंतजार करने लगे वही आए तो कुछ किया जाए यूं उस साल के बाद वहाँ कोई उल्लेखनीय घटना ना घटी गोपी के घर मटरू का वह समय बड़ी बेकली से कटा स्टेशन पर मटरू की गाड़ी तीसरे पहर पहुंची थी वहां से उसका दीआर दस कोस पर था एक भी रास्ते में कहीं ना रुकाना सुस्ताया भूत की की तरह तरह चलता रहा गंगा की उसी अपनी ओर रही भाग भाग था। था पांच छन में सर समाचार देकर भाग खड़ा होंगे और घड़ी दो घड़ी रात बीतते गंगा मैया की कछार पकड़ लेगा लेकिन गोपी के घर ऐसी स्थिति में उसका पाला पड़ गया कि उसे रुक जाना पड़ा उन दुखी प्राणियों को छोड़कर आना आसान काम ना था मन कचोट रहा था लेकिन रुक सकने की बात उसके मुंह से ना निकली उसके आदर सत्कार का इनकार कर उनके दुखी दिलों को चोट पहुंचाए ऐसा दिल मटरू के पास कहाँ था खा पीकर गोपी की माँ और बाप के साथ बड़ी रात गए बातचीत चलती रही आखिर जब वे थक कर चले गए थक गए मां सोने चली गई बूढ़े खर्राटे लेने लग ले गए ले ले तो मटरू ने सोने की कोशिश की मगर नींद कहा दिल दिमाग उसी दियार में भटकने लगा नदी जंगल हवा मिट्टी जो नदी गंगा मैया भाई मटरू को लेने दौड़कर आ रही है मटरू उठ खड़ा हुआ और ऐसे भाग चला जैसे उसे डर था कि फिर कहीं कोई उसे पकड़ कर बैठा ले चारों ओर घना सन्नाटा और अंधकार छाया था कहीं कुछ सूझ ही ना रहा था फिर भी मटरू के पैरों की अच्छी तरह मालूम था कि गंगा मैया तक पहुंचने की दिशा कौन सी है फिर उन फैलादी पैरों के लिए रास्ता बना लेना मुश्किल बात ना थी कटे हुए खेतों से सीधा मटरू बेतहाशा भागा जा रहा था एक क्षण की देर भी अब उसे सहन न थी पैरों से खुरकुची गड़ रही थी कहीं कुछ दिखाई नहीं देता था होश हवा दिखाने नहीं था फिर भी वह भागा जा रहा था कि गंगा मैया उसे पुकार रही हैं माँ आ गया माँ आ गया पुकार लगाता वह भागी जा रहा था नींद से भरी धरती गरम गरम सांसें ले रही थी अंधकार की सिज पर हवा सो रही थी गर्मी से परेशान रात जैसे रह रहकर जमुआयाँ ले रही हूँ उमस भरा सन्नाटा ऊंग रहा था और आत्मा से मिलन की तड़प लिए मटरू भागा जा रहा था पसीने की धार शरीर से बह रही थी और वह भागा जा रहा था दियार की हवा की खुशबू और दियार की मिट्टी की खुशबू गंगा मैया का आंचल खुशबू मटरू का प्रमाण उन्मत हो रोम रोम उत्फल उत्कंठित हो उसके पैरों में बिजली भर गई वह आंधी की तरह पुकारता हुआ दौड़ा माँ माँ और लहरों की प्रतिध्वनि हुई बेटा बेटा धरती पुकार उठी बेटा बेटा आकाश और धरती जैसे करोड़ों विहल माओ और बेटों की पुकार से गूंज उठा दसों दिशाएं पुकारती हुई दौड़कर मट्रू के गले में लिपट गई मट्टू एक भूखे बच्चे की तरह गंगा मैया की गोद में कूद पड़ा गंगा मैया ने बेटे को अपनी गोद में कस लिया और तन मन प्राण से ही समाकर दम लेगी कल कल के स्वर्णिमा माँ के पुचकार और चुंबनों की शक्ति दिशाएं झूम रही थी हवा गुनगुना रही थी और मिट्टी खिलखिला रही थी लो आगे हमारा बेटा आ गया हमारा लाडला